दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर दिफा परवेज़ खटक और वजीर ममलिकत अली मोहम्मद ने अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में JUICN के सरबरा मौलाना हामिदुल हक से मुलाकात की है। परवेज़ खटक का इस मौके पर कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम सीन और PTI इब्तिदा से ही एक पेज पर हैं, JUICN को किसी दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। PDM ने आवाम के लिए नहीं अपने मफाद की तहरीक चलाई। हम इनको किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम इकट्ठा जो मुल्क के हालात हैं, जो हुकूमत चलाना है, हम उसमें इकट्ठा चलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो तहरीक चलाई उसका कोई मकसद ही नहीं था, ना हुकूमत के ख़िलाफ़ था। इन्होंने सिर्फ अपने जो चोरियाँ की हैं, जो गलत काम किए हैं, उसको उससे बचने के लिए। अब चूँकि वो तहरीक इनकी फेल हो गई, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, अब ये कहते हैं कि हम असेंबली में अदम एतमाद लाएंगे। यकीनन ये कानूनी रास्ता है, आईनी रास्ता है, लाएँ और इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे।